नमस्कार। आज हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, और इनको हम समझने का प्रयास करेंगे मॉडल्स के द्वारा। कई बार जब हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो अगर हम मॉडल के द्वारा उसको समझें तो हम सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को हम ढंग से समझ सकते हैं, वो अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। तो मैं आज इस वाले लेक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स देते हुए सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को बताऊंगा। देखिए, पहले तो हम जानते हैं सिमेट्री क्या होती है, सममितता क्या होती है। सममितता किसी भी ऑब्जेक्ट का सिस्टमेटिक और बैलेंस जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या है, एक पार्ट ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे से हारमोनी में होता है, ये सिमेट्री है। ये सिमेट्री एलिमेंट्स के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो हम देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स सममिति के तत्व, सिमेट्री एलिमेंट्स। और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम कहेंगे सममिति तत्व, और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं या मिरर प्लेन भी कह सकते हैं। प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। तो ये जो मिरर प्लेन है वो किसी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बांटता है, और एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज होता है। इस तरह से होता है, जैसे हम देखें अब इसको, ये है H2O मॉलिक्यूल को हमें मान लीजिए इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, ये ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहा है, ये दो हाइड्रोजन है, ऐसे लगे हुए हैं। देखिए इसके अंदर, अब आप देखिए ऐसा जो इसके अंदर जो यहां से पास होता हुआ तल होगा, ये जो पार्ट है ये इसका मिरर इमेज जो इस पार्ट का होगा वो इस तरह से होगा। जैसे हम यहां दिखाएं H2O के अंदर, ये जो है ये एलिमेंट्स इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये जैसे ये तल है ये काल्पनिक है, तो ये जो तल है अगर हम आप ये वाला जो पार्ट है इसका मिरर इमेज ये वाला है, इस तरह से ऐसा एक तल है जिसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए जैसे ये कैपिटल ए है, तो ये वाला जो तल है ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये वाला जो पार्ट है इसका मिरर इमेज है। ऐसे ही आप बी को देखिए, सी को देखिए, डी को देखिए, बी में देखिए ये वाला तल, सी के अंदर ऐसा है। ऐसे ही हमने देखा ये H2O के अंदर है, या आप देखिए ये BF3 मॉलिक्यूल है, अब इसके अंदर भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एक ये वाला तल है इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है ये है, ऐसे ये वाला जो तल है ये इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो है ये हमने देखा, ये मिरर प्लेन की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, वो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप के प्लेन होते हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसा प्लेन जो पूरे जो मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे एटम्स उस वाले प्लेन के अंदर होने चाहिए। और ये जो है देखिए, जैसे ये एटम, ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक मान लीजिए बीच वाला एटम, आप मान लीजिए यहाँ पे ये दर्शा रहा है BF3 मॉलिक्यूल, जैसे इस तरह का जो है उसको दर्शा रहा है, मान लीजिए ये है इस तरह से, जैसे हमने अभी BF3 लिया है या BH3 जो भी आप माने BF3, ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है, सारे के सारे जो प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। अब ये मॉलिक्यूलर प्लेन हम कैसे दर्शाएंगे, सारे
ये सारे जो एटम्स हैं इस वाले तल में होंगे और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। देखिए इस तरह से है, ऐसा जो तल होगा जो सारे एटम्स को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, सारे के सारे एटम्स को बाइसेक्ट करेगा, वो इसके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। ऐसे ही हम बेंजीन के अंदर भी दर्शा सकते हैं। देखिए ये जैसे मान लीजिए बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो है, तो ऐसा जो तल होगा इस तरह से पास होता हुआ जाएगा, जो सारे जो छह हाइड्रोजन है और छह कार्बन है उनको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ये, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन कहलाता है। मॉलिक्यूलर प्लेन इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को हम सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको हम सिग्मा वी से दर्शाते हैं और हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर से गुजरता हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस उसमें प्लेन में से गुजरती हो या उसके पैरेलल हो, वो वर्टिकल प्लेन कहलाता है। अब हम बात करें जैसे ये H2O, हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये देखिए आप H2O को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर एक्सिस हम अभी जब एक्सिस के बारे में देखेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस इससे 180 से रोटेट करने पे ये इस तरह से आ जाएगा, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, हम बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा 180 से रोटेट करने पे। तो ये जो C2 एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस C2 एक्सिस है, ये इसके अंदर है और ये ही इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है और जो प्लेन इसके अंदर से पास होगा। अब ये जो एक्सिस है, आप देखिए प्लेन भी ऐसा ही है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो है इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला प्लेन, तो ये इसके अंदर वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ये जो प्लेन है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसका मिरर इमेज ये वाला होगा, ये वर्टिकल प्लेन को दर्शा रहा है। तो इसके अंदर दो प्लेन है, देखिए एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूलर प्लेन है, और दूसरा ये वर्टिकल मॉलिक्यूलर प्लेन भी इसमें क्या है, वो भी इसमें वर्टिकल प्लेन ही है। कारण इसका ये है क्योंकि इसके अंदर जो ये एक्सिस है C2, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर भी आ रही है, इसलिए इसके अंदर हम कहेंगे दो वर्टिकल प्लेन है, टू वर्टिकल प्लेन या टू सिग्मा वी के लिए दो वर्टिकल प्लेन्स इसके अंदर। अब देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल है BF3 जैसा है या BF3, इसके अंदर हम देखें कि वर्टिकल प्लेन कहाँ है। अब इसमें ये वाली जो एक्सिस है ये देखिए इस तरह से ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है इससे अगर हम 120 से रोटेट करेंगे, इससे हम 120 से रोटेट करेंगे तो हमें जो है इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। जैसे 120 से हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो F है ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए कि ये जो एक्सिस है ये C3 एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये C3 एक्सिस है, और इसको ये जो हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ये प्लेन कहाँ से पास होंगे, ये प्लेन देखिए एक प्लेन ऐसा होगा जो इस F और इस B से ऐसे पास होगा और इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए ये जो एक्सिस है ये इस प्लेन में से ही पास हो रही है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये
वर्टिकल प्लेन। इसी प्रकार ये देखिए दूसरा जो प्लेन है वो इस बी और एफ से पास होता हुआ ऐसे जा रहा है, तो ये दूसरा वर्टिकल प्लेन है। तो हम कह सकते हैं ये एक वर्टिकल प्लेन है, ये दूसरा वर्टिकल प्लेन है सिग्मा वी डबल एस, और एक वर्टिकल प्लेन ये इस तरह से पास हो रहा है इस तरह से। तो इसमें तीन वर्टिकल प्लेन्स है, इस तरह से हम इसको वर्टिकल प्लेन को दर्शा सकते हैं। अब देखिए हम देखते हैं एक जो प्लेन होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन वो ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इसको हम सिग्मा एच से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए अभी हमने ये इस तरह के मॉलिक्यूल की बात की थी बीएफ3 टाइप के, तो इसमें क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है देखने की बात यह है कि ये जो एक्सिस है ये वाली, ये इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है C3 जिसकी बात कर रहे थे, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है जिसको हमने मॉलिक्यूलर प्लेन भी कहा है। तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन जिसके अंदर से ये सारे जो सभी F और सारे एटम इसके अंदर से पास हो रहा है उनको बाइसेक्ट कर रहा है, वो मॉलिक्यूलर प्लेन इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। एक होता है डाइहेड्रल प्लेन, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन होते हैं जो दो C2 एक्सिस के बीच में से पास होते हैं, उनको हम डाइहेड्रल प्लेन कहते हैं। जो दो C2 एक्सिस के बीच में से पास होते हैं, जैसे देखिए PTCL4 का एग्जांपल, PTCL4 ये है स्क्वायर प्लेनर होता है, और इसके अंदर ये जो है एक वर्टिकल प्लेन है और ये दूसरा वर्टिकल प्लेन है, और ये जो प्लेन को भी इंडिकेट कर रहा है, और इधर से ये हम इसको C2 ये इसके अंदर ये जो एक्सिस है ये वाली ये इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम C4 कहेंगे। इसके अंदर ये जो एंगल है 90 डिग्री का हम जानते हैं 90 डिग्री के एंगल से, तो अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इसमें हमें इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर C4 एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर C4 एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो इसमें प्लेन देखते हैं हम कौन कौन से प्लेन है, देखिए इसमें ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और ये C2 एक्सिस भी है। तो ये इसके अंदर ये जो प्लेन है ये है सिग्मा वी, दो सिग्मा वी है इसके अंदर, और ये जो प्लेन है ये सिग्मा डी कहे जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्टिंगली कि ये जो सिग्मा वी है ये ज्यादा एटम्स के अंदर से पास हो रहे हैं, और सिग्मा वी की अलग क्लास होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे जब क्लासेस की बात करेंगे तो सिग्मा वी की अलग क्लास होती है, सिग्मा डी की अलग क्लास होती है, अलग अलग क्लास में सेपरेट हम इसको करते हैं। तो इस तरह से ये जो सिग्मा डी है ये दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट करते हुए होते हैं। ये हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लेन्स जिनको हमने देखा मॉलिक्यूलर प्लेन किसको कहते हैं, वर्टिकल प्लेन किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको कहते हैं, डाइहेड्रल प्लेन किसको कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री
x is of symmetry, ऐसी काल्पनिक एक्सिस होती है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट उसका जो विन्यास है वो प्राप्त होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एस्ट्रोज की, एस्ट्रोज मॉलिक्यूल को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये एस्ट्रोज अगर हम इस एक्सिस के थ्रू इसको 180 से रोटेट करेंगे, देखिए तो हमें जो इसका विन्यास मिलेगा वो बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, हम पहचान नहीं सकते क्योंकि वैसा का वैसा ये जैसा शुरू में था। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये जो है इससे हमने इसका रोटेशन किया 180 डिग्री से, तो ये वाला जो एच है ये इधर आ गया और ये इधर वाला इधर चला गया, तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका प्राप्त होता है। और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सी टू एक्सिस से ही जाएगी यहाँ पे, हम इसकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन इसमें कितने एंगल से हमने रोटेट किया उसको डिवाइड करते हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाता है, एक्सिस का ऑर्डर आ जाता है। जैसे देखिए आप BF3 टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर हमें कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ये 120 का है, इसके अंदर प्लेनर मॉलिक्यूल है 120 का है, तो हमें 120 से रोटेट करना पड़ेगा, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसका वो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, इनडिस्टिंग्विशेबल मिलेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। फिर हम 120 से रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये जो इसके अंदर पॉइंट, ये जो C3 है ये एक्सिस इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये मान लीजिए बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको इसमें ये जो है बीच में डबल बॉन्ड है ऐसा गोला, इसमें हम नहीं दिखा पा रहे यहाँ पे, तो आप इसको देख बेंजीन मानते हैं, इसको देखिए तो इसमें 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन हमें प्राप्त होगा। तो इसके अंदर जो बेंजीन के अंदर है सिक्स एक्सिस इसके अंदर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल में एक ही एक्सिस होगी, एक से ज्यादा एक्सिस भी हो सकती है, जैसे इसके अंदर C6 के अलावा ये C2 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है, 180 से रोटेट करने पे हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में कई सारी एक्सिस हो सकती है। इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस, ये जो एक्सिस हमने देखी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस, ये हम देखते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर एक्सिस को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्प्रॉपर एक्सिस इसको एक नाम रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस भी है इसका, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, हम मॉलिक्यूल को रोटेट करवाएं और उसको फिर प्लेन से मिरर जो बीच में जो प्लेन है उससे हम उसको रिफ्लेक्ट कर दें, उसको हम कहते हैं, और फिर हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन उसका प्राप्त हो ऐसा करने से। देखो इसको एक हम इसको देख सकते हैं, ये जो है ये मॉलिक्यूल है ये स्टेगर्ड इथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब ये जो स्टेगर्ड इथेन है इसको हम डायग्राम से बड़े अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं इसको, ये सामने वाला एटम है और ये पीछे वाला कार्बन एटम है, और इससे तीन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उनकी स्थिति इस तरह से देखिए बिल्कुल क्लियर है इसकी स्थिति। तो हम इसको पहले रोटेशन करें और इसके बाद में रिफ्लेक्शन करें, इसके अंदर हमें देख रहे हैं कि अगर हम इसमें
C6 की बात करें यानी 60 डिग्री से इसको रोटेट करें तो क्या होगा, ये जो जो कार्बन ये यहाँ पे हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये नीचे चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी इनकी जो पोजीशंस हैं वो इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी, देखिए। और हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है जैसा वो इसका रोटेशन से पहले था, यानी ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर C6 मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो प्लेन है बीच में इस तरह से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है इसके थ्रू अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर दें यहाँ से, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो वो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगरेशन उसका प्राप्त होगा। देखिए हम इसको ऐसे भी डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे भी दर्शा सकते हैं इसको, हमने अभी देखा जैसे ये इसको देखिए, ये जो सामने वाला कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऐसे उनको दर्शा रहा है इस तरह से, हमने ये पोजीशन जो दी है ये तीन हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है इस तरह से। अब जो दूसरा पीछे वाला कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये वाले, उसको देखिए हम ऐसे दर्शाएंगे, इस तरीके से ये हम इस तरह से दर्शाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको पहचान के लिए हम जैसे मान लीजिए हमने ए लिखा, इसका ये बी, ये सी है और इस पर डैश कर देते हैं, एच डैश, एच डबल डैश और ट्रिपल डैश। अब इसको हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट हमें पूरे मॉलिक्यूल को करना है, यानी ये जो है इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री से करना है, तो इसमें हम 60 से करेंगे तो ये H यहां आएगा, H A है यहां आ जाएगा, H B यहां होगा और H C यहां होगा और H डैश, H डबल डैश और H ट्रिपल डैश इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें आगे वाले कार्बन के ऊपर एच यहाँ है और इसमें यहाँ इनकी पोजीशन है, तो ये अलग अलग है। लेकिन अगर ये जो इस ये यहाँ से ये जो प्लेन जा रहा है इससे रिफ्लेक्ट कर दें इसको, तो क्या होगा, ये जो आगे वाला पोर्शन है ये पीछे और पीछे वाला आगे दिखेगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह से ये आगे और हम देख रहे हैं ये और ये इक्विवेलेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका C6 एक्सिस यानी इसमें C6 ऑपरेशन और हमने सिग्मा किया तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो गया। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि S6 एक्सिस है, ये इंप्रॉपर एक्सिस है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री,
प्रॉपर एक्सिस जिसको भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को प्रॉपर एक्सिस भी कह सकते हैं, और एक इम्प्रॉपर एक्सिस, और एक हम आइडेंटिटी भी इसके अंदर लेते हैं, सिमेट्री एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हम किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम 360 से रोटेट करते हैं तो वो जैसे इक्विवेलेंट आइडेंटिकल आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही आ ही जाता है, वो चाहे कोई सब मॉलिक्यूल हो हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम 360 से रोटेट करेंगे तो वापस वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। जैसे ये रेड, ये जो है येलो इधर है, 360 से रोटेट करने पे वापस ये यही आ जाएगा। तो ये तो सभी के अंदर होगा, चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल हम लें तो हम कह सकते हैं आइडेंटिटी का मतलब नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं। या फिर आप यह देखिए, जैसे हमने जैसे ये BR3 मॉलिक्यूल है, और जब हम इसका एक बार रोटेशन करते हैं 120 से, तो उसको बोलते हैं 3C1, और इससे क्या होगा, इस तरह की स्थिति आएगी F डबल डैश या और ये ट्रिपल डैश। अगर हम फिर 120 से रोटेट करेंगे इसको बोलते हैं C3-2 ऑपरेशन, ये कहलाता है C3-2 ऑपरेशन, और इसमें ये जो इस तरह से आएगा, और फिर से हम रोटेट करेंगे तो हमें वापस ये मिल जाएगा। इसमें C3-3 ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम इस तरह से आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। ये नेसेसरी जो सिमेट्री एलिमेंट है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। तो आज हमने देखा सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स जो है इमेजिनरी होते हैं, सिमेट्री जबकि सिमेट्री ऑपरेशन हम जो मोमेंटम करवाते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअल होते हैं।